हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉली चौधरीज किचन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं चीले। पर फ्रेंड्स, ये बेसन के चीले नहीं हैं, ये हैं बची हुई दाल का चीला। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक बर्तन, जिसमें मैंने ली है बची हुई दाल। इस बची हुई दाल में अब हम डालेंगे थोड़ा सा बेसन। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर और बारीक कटी हुई प्याज। सभी चीज़ें अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। यदि आपको ज़रूरत लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। क्योंकि हमें चीले के लिए घोल तैयार करना है, मैंने भी इसमें थोड़ा सा पानी यूज़ किया है। अब इस घोल को अच्छे से तैयार करने के बाद हम गैस पर रखेंगे एक तवा, जिस पर लगाएंगे हम चिकनाई। अच्छी तरह से चिकनाई लगाने के बाद इस पर हम थोड़ा सा ये बैटर डालेंगे और इसको अच्छे से फैला लेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप पहली बार चीला बना रहे हैं तो छोटा चीला बनाकर ट्राई करिए। अब हम इसे पलट पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। हमारे बची हुई दाल के चीले बनकर तैयार हैं। बाकी के चीले भी हम कुछ इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए, हमने और चीले भी इस तरह से बनाए हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।